नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, कई बातें बताऊंगा, कई राज आपके सामने खोलूंगा इस वीडियो को लेकर। दरअसल इस वीडियो में एक महिला मुस्लिम बस्ती में जाके लगातार जिहादी जिहादी एक बार नहीं कई बार बोलते हुए दिखाई दे रही। वो खुद को पत्रकार बताते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्या सच में वो पत्रकार है? आप बताइए, क्या एक समुदाय को टारगेट करना, एक समुदाय के खिलाफ लगातार कई बातें कहने, खबर नहीं होगी वो, लेकिन कई बातें लगातार एक समुदाय के खिलाफ कहना, क्या ये पत्रकारिता हो जाएगी? दरअसल इस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा, जहां पर एक महिला मुस्लिम बस्ती में जाके, जहां पर देख सकते हैं आप पूरी तरीके से क्राउड है, वहां पर खुले हम जिहादी बोलते हुए एक समुदाय को नजर आई, उसके बाद कई बातें कह दी। यहां तक कि यह भी कह दिया कि मुस्लिम लोग अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और कई तरीके की ट्रेनिंग की बात करते हुए वो दिखाई दी। जिहाद की अगर बात की जाएगी, गोदी मीडिया पत्रकार लगातार आपके सामने कई सालों से जिहाद को लेकर कई शो चला चुके, फिर चाहे लव जिहाद की बात करूं, मजार जिहाद की बात करूं, फिर चाहे लैंड जिहाद की बात करूं, फिर चाहे कोरोना जिहाद की बात करूं, इनका बस चले तो हर एक चीज में जिहाद ढूंढ दें। जिहाद की अगर बात की जाएगी, लगातार जिहाद आपके सामने गोदी मीडिया चैनल्स रखते हुए नजर आते हैं, जहां पर एक एग्जांपल ये भी आपके सामने, ये भी महिला गोदी मीडिया पत्रकारों से जो इसने सुना वही बताते हुए नजर आ रही, कहते हुए नजर आ रही, जिहाद जिहाद जिहाद, इनका बस चले तो चलने को जिहाद बोल दें, खाने को जिहाद बोल दें, गाड़ी चलाने को जिहाद बोल दें, क्या क्या चीजों को जिहाद बोल दें, कपड़े को जिहाद बोल दें, पढ़ने को जिहाद बोल दें, हिजाब जिहाद आपने सुना ही था, किस तरीके से हर एक चीज को जिहाद में बदलते हुए नजर आते। कई सालों से ये जिहाद का मामला जो चल रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, वो आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। एक महिला लगातार जिहाद जिहाद चिल्लाते हुए दिखाई दे रही। इसके बाद सुरेश चौहान के, जो कि इस चैनल के मालिक हैं, जिसमें ये लड़की काम करते हुए दिखाई दे रही है, वो बताते हुए नजर आए, अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्रकारिता करनी हो, ये पत्रकारिता है या फिर ये कहा जा सकता है कि नफरत फैलाने वाली एजेंसी, इसमें अगर आपको काम करना है, इस तरीके का नफरत आपको फैलानी सीखनी है, तो इस नंबर पर संपर्क करें। क्या दोस्तों ये सच में पत्रकारिता है? इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा आप सबके सामने आकर बताना चाहिए कि आज इस देश के अंदर इस तरीके की पत्रकारिता हो रही, या फिर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता के नाम पे लगातार एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, जहां पर ये महिला आप देख सकते हैं हाथ भी पकड़ते हुए दूसरे महिला का नजर आ रही, जो कि खुद रिपोर्टर अपने आप को बता रही। इसके बाद इस महिला ने अपनी वीडियो में ये भी दोस्तों कहा कि यहां से चले जाओ। अब कहां से चले जाओ और कहां जाओ ये पता नहीं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसके बाद ये कहते हुए नजर आई। क्या सच में इस देश के अंदर एक समुदाय को लेकर इस तरीके की बात करना सही है? क्या न्यायालय इस पे कोई कार्रवाई करेगा? मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूंगा, क्या संविधान से देश चल रहा है, जहां पे ये कहा जाता है हर एक इंसान को सामान्य अधिकार दिया गया है अपने रिलीजन को लेकर प्रैक्टिस करने का, अपने रिलीजन को प्रमोट करने का सही तरीके से? संविधान में ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक रिलीजन के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाना और उसके बाद प्रमोशन देना और कहना इस तरीके की पत्रकारिता अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। आपकी स्क्रीन के सामने सुरेश चौहान के का मैं वो ट्वीट रखना चाहूंगा, उसे देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। आप भी इस प्रकार जुझारू रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो वह हमारे सुदर्शन मीडिया एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें, उसके बाद कुछ नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों इस तरीके की वीडियो साथ में अटैच करने के बाद ये इंसान अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कौन से लोग होंगे जो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेंगे, जहां पर नफरत फैलाने के तरीके आपको बताए जाएंगे, जहां पे पत्रकारिता आपको नहीं बताई जाएगी, जहां पे पेन लेना हाथों में नहीं सिखाया जाएगा। क्या पत्रकार हाथों में बंदूक लेकर अच्छा लगता है? क्या शोभा देता है पत्रकार को हाथों में बंदूक लेना? क्या पत्रकार के हाथ में बंदूक होना सही है? आप बताइए हमें। मुझे तो ऐसा ही लगा, जितना मैंने पत्रकारिता पढ़ी हुई है, जहां तक का मैंने पत्रकारिता को समझा है कि पत्रकार के हाथ में पेन होना चाहिए, और जहां तक इस देश में बताया भी गया है कि पेन की ताकत सबसे ऊपर होती है, आप लिखने और पढ़ने से सबसे आगे जा सकते हैं, सबसे आगे पहुंच सकते हैं। ऐसे में बंदूक से सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करना, या फिर कहा जा सकता है किसी और ने, इनके साथी ने अपलोड की होगी, लेकिन है तो इन्हीं की तस्वीर। ऐसे में ये खुद को पत्रकार कहते हैं और ऐसी वीडियोस शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या सच में ये पत्रकारिता थी जहां पर जिहादी जिहादी ऑन द स्पॉट बोला गया, एक मार्केट में जहां पर मुस्लिम आबादी है, लगातार भड़काऊ बातें कहने की कोशिश की गई, लोगों को प्रवोक करने की कोशिश की गई, एक महिला को लगातार रिपोर्टर टारगेट करते हुए दिखाई दी, उसके साथ जो पुरुष था उसे भी टारगेट ये महिला करते हुए दिखाई दी, उसके बाद इंस्टीट्यूट का प्रमोशन किया जा रहा है, किस तरीके से आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। कई वीडियोस आपके सामने ला सकता हूं, कई बातें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन शायद मुझे लगता है ये एक वीडियो आपके लिए काफी होगी, अगर आप समझना चाहते हैं तो। सच में आपको लगता है ये चैनल पत्रकारिता के लिए काम करता है या फिर
इसका कुछ और ही एजेंडा है। अगर एजेंडा आपको पता हो तो बताइएगा जरूर मुझे आपके हिसाब से इसका क्या एजेंडा है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।